एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। दूसरी गाड़ियों को नहाते हुए देख के मैंने भी सोचा कि अपने बाइक को धुलवा लूं। ये है मेरे बाइक की मौजूदा सूरत हाल। गांव में एक बार बारिश हो जाए तो रोड पक्के होने की वजह से ये सूरत हाल हो जाती है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। अक्सर औकात लड़के मुझसे पूछते हैं कि हम लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। YouTube पे तो अभी तक मेरी इतनी फॉलोइंग नहीं है, लेकिन TikTok पे मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। भाई साहब, अगर आप लोग 2024 में कंटेंट क्रिएटर यानी वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो ये कि अगर आप लड़के हो तो अपना जेंडर चेंज कर लो। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लड़के अकेले अपना वीडियो चैनल स्टार्ट करते हैं ना, शुरू में शौक होता है, एक साल तक काम करते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो कंटेंट है वो है वल्गर कंटेंट, और अगर वो कंटेंट वल्गर ना हो तो उसके अंदर लड़की होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये वाली सुविधा भी मौजूद नहीं है तो मेहरबानी करके बाइज्जत तरीके से चरस गांजे का धंधा शुरू कर दें। कम अज़ कम पैसे तो कमाएंगे ना यार। खैर, ये बात मैंने मजाक में की है, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन में ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो बेटर है कि अपना टाइम वहाँ पे लगाओ जहाँ पे आप कामयाब हो सको, और जब बंदा कामयाब हो जाए ना तो मशहूर करने के लिए लोग बहुत हैं। खैर, मज़ीद इस तरह की गलें करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। आज जुमातुल मुबारक है और माशाल्लाह जुमातुल विदा भी है। लोग नई नई जूतियाँ और नए नए शूज़ पहन के आएंगे, क्या कहते हो तुम लोग? टिकटॉक पे लाइव आने के लिए ये ट्राईपॉड मैं यहाँ पे लेके आया था, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत ज़्यादा घर में होती है, इसलिए मैंने इसको अब ठाप दिया, अब मैंने इसको घर ले जाना है। आपने मेरे सर पे कभी भी कंघी की हुई नहीं देखी होगी, लेकिन ये वाली कंघी 2 दिन पहले मैंने एक छोटे से लड़के से खरीदी थी। वो इसलिए क्योंकि आई कैन अफोर्ड टू बाय इट एंड ही वाज इन नीड ऑफ मनी। जिंदगी में सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों का एहसास करना नहीं भूलना। घर में मैं पहुंच गया हूं और अब मैंने जुम्मे की तैयारी करनी है। जुम्मे के लिए मैंने ये चीटे कलर के कपड़े इस्त्री करवाए हैं, करवाए नहीं हैं, खुद किए हैं। जुम्मा पढ़ने में भी तकरीबन 1 घंटे का टाइम है, इतनी देर में मैं कलूला कर लेता हूं। तुसी भी इतने डेल में डेवलॉग ठड्डा होने दो। मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ ली है और अब नमाज पढ़ के निकल चुका हूँ। मैं मस्जिद लोगों ने चपड़ी नजर रखी तो मैंने सचे मुझे नहीं कोई नवी खेड़ियाँ पा गया। मैं बात आखिर तक इंतज़ार कर रहा है, या आखिर में मैंने उस बंदे की चपलियाँ जो कि प्रोबेबली छोड़ गया होगा वो पहनी है। ये थोड़ा सा माहौल चेक कर लो। गर्मियों के दिन अब दोबारा आ चुके हैं, इसलिए अपना मोटरसाइकिल अगर धूप पर खड़ा करें तो अपनी सीट के ऊपर रखने से पहले एक बार ठंडी कर लें, समझ रहे हो? वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। आलू प्याज टमाटर अमरूद मरदूद सब ले लिए, जरूरी सामान लिया, अब बस वापस निकलना। शाम का वक्त है, घर पे मैं वापस आ गया हूँ और जो सबसे पहला काम मैंने करना है वो है अपने चीटे कपड़े बदलाने। 2-3 दिनों से शाम के वक्त धूप बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ही तेज किस्म की प्यास लग जाती है। शाम को अफ्तारी के बाद बंदे को पेट में ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, और फिर जब 20 रकात नमाज तरावी पढ़ो तो सब हजम। माशाल्लाह से रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, पूरी दुनिया इबादत में मसरूफ़ है और ये यहाँ पे लड़कियाँ ढूंढ रहा है, लड़कियाँ कहाँ हैं, लड़कियाँ कहाँ हैं। वैसे तो आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज़ और आई डोंट वांट टू इंटरप्ट इन एनीवनस पर्सनल लाइफ एज वेल, बट इसने कुछ दिन पहले यूट्यूबर्स के बारे में एक बहुत ही भयानक किस्म की बात की थी, और वो ये कि यूट्यूबर्स अपनी अपनी फैमिलीज दिखा के पैसे कमा रहे हैं। खैर, एनीवे इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे।
सवेरे सवेरे जाग गया हूँ मैं, सबसे पहले लकड़ियों पे प्रैक्टिस की है और उसके बाद सक्सेसफुली मुँह हाथ धोया है। रेडी मैं हो गया हूँ। ये हमारी बकरी उम्मीद से थी, हमारी बकरी ने माशाल्लाह से दो बच्चे दिए, ये वाला और ये वाला। देखो जो उसके अपने जैसा लगता है उसको अपने पास बिठाया हुआ है और जो अपने जैसा नहीं है उसको इधर दूर। ये यानी कि रेसिज्म हर जगह पे मौजूद है। एटीएम में से पैसे निकाल लिए, अब नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है। सर्दियों में मैं डेली 6 अंडे घर पे देता रहा हूँ और अब मुर्गियों ने देना शुरू कर दिए, अब मुझे उनके लिए दाने ले जाने होते हैं और हाँ मैं अंडे दुकान से खरीद के देता रहा हूँ। असल स्टोरी है कि मैंने आज जाना है गंगोल शरीफ। गंगोल शरीफ एक ज़ियारत है जहाँ पे हर साल रोज़ों में तकरीबन 27वें पे हम लोग जाते हैं। तो रात क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँगा और कल भी नहीं हूँगा, इसलिए आज जितनी भी चीज़ें घर के लिए लेनी वो मैंने ले ली हैं। और यहाँ पे एक दो कुकड़ भी कत्ल करवाने थे लेकिन अब जब मैंने उनकी आदत देखी है तो मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। घर में तैयार होके इस्लामी भाई बन के निकल पड़ा हूँ अब मैं, और हमने इफ्तारी के टाइम पे वहाँ पे गंगोल शरीफ कोहाट में पहुँचना है और ये हर साल हम लोग जाते हैं। तू सज दियो सर चुक ले, जा बख्शी उम्मत सारी, तू सज दियो सर चुक ले। क्वाट शहर में भी हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ से भी दरबार शरीफ के लिए सुजुकी है मेरी। ये जो पहाड़ी है इसके दामन में है दरबार शरीफ और उसका नाम है गंगोल शरीफ। दो गाड़ियां चेंज करके अभी तीसरी गाड़ी के लिए खड़े हैं हम, तब हम लोग डायरेक्ट दरबार शरीफ पे पहुंचेंगे। यहां से आगे जाने के लिए हमें और कोई गाड़ी नहीं मिली, ये रक्षे वाले ने लिफ्ट दी है और जब हम बैठ गए तो बोले 150 रुपए लगेगा। सर चुक ले, शेर देखिएगा यकीनन आपके दिल में घर करेगा ये शेर, सुनिएगा। हर कोई तैनो लबदा फिरदा, सब नू तेरी अलोड़ा, हर कोई तैनो लबदा। ये दरबार का आता है और जब सालाना उर्स होता है ना तो ये सारी जगह वहाँ से लेके ये सारे कॉर्नर तकरीबन फुल होते हैं, यहाँ पे बंदे को कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती। नाज रसूला दा, नाज जो अब मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी जगह ज़ायरीन की अफ्तारी के लिए अरेंज की गई है। मैंने गलती की है जो चीटे कपड़े पहन के यहाँ पे आ गया हूँ, इन चीटे कपड़ों को यहाँ पे साफ रखना बहुत ही मुश्किल काम है, कल तक आप पता नहीं मेरी कैसी हालत हो। टिकटॉक के मेरे तमाम फॉलोअर्स जिनको मैं वहाँ मिल सका या फिर नहीं मिल सका, आप लोगों का दिल किया था गहराइयों से शुक्र गुजार हूँ। साजिद अजीज 53 53 तोड़े टिकटॉक ना अकाउंट भाई साहब, ये साजिद ना अकाउंट ना तो सताक के दान है, इसने मेहरबानी करके मैं ना फॉलो करो ना करो इन्हें लाजमी फॉलो करना प्लीज़। अफतारी होने में मज़ीद अभी तकरीबन 25 मिनट बाकी हैं और नमाज हम लोगों ने पढ़ ली है और अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाज रसूला दा, नाज रसूला दा, हर दीते आया है। रोज़ अफ्तारी हो गई है, अब नमाज का टाइम है। रब ताज पवाया, चादर तो वैसे मैं भी नहीं लेके आया था लेकिन ये जो नीचे बिछाने के लिए लाई थी ये अब ऊपर कर ली है क्योंकि सर्दी टिका के पड़ रही है यहाँ पे।
ख़त्म हो गया, सहरी भी कर ली है और टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 2:30। इट्स टाइम टू लीव। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी के साथ पूरी रात इबादत करने के बाद अपने घर के पास लैंड कर गए हम लोग। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस।